तलाकशुदा पति से बच्चा न मिल सके, सिर्फ इसलिए अपने 4 साल के मासूम बेटे की हत्या की आरोपी माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ को 6 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस टीम उससे लगातार मर्डर केस के बारे में पूछताछ कर रही है, लेकिन इस बीच सूत्रों का कहना है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रही है, बेहद नपे तुले जवाब दे रही है। एक घाघ महिला की तरह बिल्कुल शांत बैठी रहती है, कह रही है कि उसने अपने बेटे का कत्ल नहीं किया है। कहा जा रहा है कि उसने अभी तक अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल नहीं किया है, लेकिन ये माना है कि उसके पति के साथ उसके रिश्ते ठीक नहीं थे। वो गोवा अपने बच्चे को घुमाने लाई थी क्योंकि बीच पर खेलना उसे पसंद था। दूसरी तरफ गोवा के सोल बानियान ग्रैंड होटल में तलाशी के दौरान पुलिस को कफ सिरप की 2 बोतल मिली है। एक बोतल कफ सिरप सूचना सेठ अपने साथ लेकर आई थी, जबकि दूसरी उसने होटल के स्टाफ से कहकर मंगाया। इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि सीईओ महिला ने पहले अपने बेटे को ज्यादा कफ सिरप पिलाकर अचेत कर दिया होगा और उसके बाद तौलिए या तकिए से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। कफ सिरप के नशे में होने की वजह से बच्चे ने ना तो कोई संघर्ष किया और ना ही रोया चिल्लाया। इस तरह हत्याकांड को बड़े आराम से अंजाम देने के बाद वो गोवा से बेंगलुरु के लिए अपने बच्चे की लाश बैग में भरकर निकल गई। सूचना सेठ के वकील का कहना है कि स्टार्ट कंपनी माइंडफुल एआई लैब शुरू करने के बाद उसका काम ठीक नहीं चल रहा था, पति के साथ हो रहे झगड़े की वजह से वो परेशान थी। ये भी बताया गया है कि कोर्ट के फैसले के बाद उसे लग रहा था कि उसके बेटे को पति छीन लेगा, इसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने वाली एआई कंपनी की मालिक 39 साल की सूचना सेठ बचपन से ही पढ़ने लिखने में बेहद तेज रही है, कई भाषाओं पर उसकी कमांड है। वो एआई के एथिक्स के बारे में घूम घूम कर लेक्चर भी करती थी। 2010 में वेंकट रमन से शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। 9 साल बाद यानी साल 19 में दोनों को एक बेटा हुआ, तब भी सब कुछ ठीक था, लेकिन साल 2020 में कोरोना आते ही मियां बीवी के रिश्ते में कड़वाहट आनी शुरू हो गई। दोनों में झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि अलग अलग रहने लगे, पर बेटा माँ के पास था। इस अलगाव के बावजूद वेंकट रमन अक्सर अपने बेटे से मिलने आते थे। सूचना सेठ अपने पति को बेटे से मिलने नहीं देती। अलगाव का ये मामला अब अदालत पहुंच चुका था, दोनों ने तलाक की अर्जी डाल दी थी और दोनों ही बेटे की कस्टडी चाहते थे। वेंकट ने कोर्ट में कई बार शिकायत की कि सूचना उसे अपने बेटे से मिलने नहीं देती है। आखिरकार साल 2023 के खत्म होते होते बेंगलुरु की जिला कोर्ट ने दोनों के अलगाव पर अपना फैसला सुना दिया। कानूनी तौर पर दोनों का तलाक हो गया था, लेकिन बावजूद इसके अदालत ने एक और फैसला दिया कि बेटा अपनी माँ के पास ही रहेगा, लेकिन पिता महीने में 4 बार हर संडे अपने बेटे से मिल सकता है। बस कोर्ट का यही फैसला सूचना को नागवार गुजरा। वेंकट की खुशी छीनने के चक्कर में उसने अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। हालांकि इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक माँ अपने बच्चे का कत्ल क्यों करेगी, कत्ल के बाद लाश के साथ सफर क्यों करेगी। इन्हीं सवालों के साथ गोवा पुलिस की टीम इस केस की जांच में लगी हुई है।